सब्सक्राइब कीजिए दिनेश सोलंकी के चैनल को, बेल आइकॉन का बटन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश। आज हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस में पेशेंट की लैंग्वेज को रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। होम्योपैथिक प्रैक्टिस में सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही होता है कि जो पेशेंट की लैंग्वेज होती है, रूटीन लैंग्वेज, उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करना। तो इसलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल से या जो पेशेंट के वर्जन से, ये मैंने डॉक्टर सहगल की बुक से लिए हैं, यानी कि आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो या ये ऑथेंटिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला वीडियो। डॉक्टर साहब, वो मेरा दोस्त है ना रमेश, कल उसके साथ मेरा बहुत झगड़ा हो गया, बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर मेरे को। तो इस वीडियो में जो पेशेंट का वर्जन है या पेशेंट की लैंग्वेज है, वो ये बतलाती है कि उस पेशेंट को एक गुस्सा है और जो कि वो पर्सन वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके ऊपर है। तो हम इसको माइंड सेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो कैंट और ऑगमेंटेड रेपर्टरीज है उसमें हम इसको सर्च करेंगे माइंड सेक्शन में। पहले तो एंगर में जाएंगे, उसके बाद एंगर जो कि पर्सन मौजूद नहीं है उसके ऊपर है, यानी कि एंगर अब्सेंट पर्सन एट, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है उसके ऊपर उसको गुस्सा हो रहा है। तो रूटीन जब भी कोई ऐसा सेंटेंस या ये थॉट आता है, तो इसके लिए हम ये रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर की दवाई या जो है वो ये है कि ऑरम मेट है, काली कार्ब है और लाइकोपोडियम है। तो देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। डॉक्टर साहब, अभी अभी जो सवाल पूछा आपने, फिर से पूछिए ना, मेरा ध्यान नहीं था। इसमें क्या हुआ कि जो पेशेंट का कंसंट्रेशन था या जो ध्यान था, वो डॉक्टर की तरफ ना होने की वजह वो कहीं और था, यानी कि वो जिस स्थान पे मौजूद होना चाहिए वहाँ पे वो नहीं था, दूसरी जगह पे था। तो इसका मतलब होता है कि वो अब्सेंट था, उसका माइंड वहाँ पे अब्सेंट था, यानी वो अब्सेंट माइंडेड हो गया। ये काफ़ी बड़ा रूब्रिक है, इसके अंदर बहुत सारी दवाई आती है, एलियन कैनाबिस इंडिका से लेके एपिस मेलिफिका, नक्सोमिका, बहुत सारी दवाई इसके अंदर आएगी। ग्रेड अलग अलग होंगे लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ इसके अंदर आएगी। चलिए हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वीडियो देखिए। डॉक्टर साहब, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, आपने जो दवाई दी ना मेरे को, उससे फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को नुकसान हो गया। इसमें क्या हुआ कि पेशेंट को जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी, जो फ़ायदा उसको होना चाहिए था, वो फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी वजह उसको नुकसान हो गया या वो एग्रेवेट हो गया, यानी कि ये रॉन्ग सफरिंग हो गई। तो इसको हम डेल्यूजन में कन्वर्ट करेंगे माइंड सेक्शन में। माइंड डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही है, और इसके अंदर की जो दवाइयाँ है वो नाजा है, हायोसियमस है, लैकेसिस है, ये सब दवाई है। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा प्रयास आपको पेशेंट की लैंग्वेज को रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट करना है इसके लिए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करके मुझे बताइएगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।